के सफर में हमने देखा कि पंचायती राज को संवैधानिक स्टेटस आखिर मिल गया। कौन दिया? 73वां संविधान संशोधन एक्ट, 73 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1993। तो संविधान में संशोधन हुआ, तो क्या संशोधन हुआ, क्या चेंज हुआ? संशोधन मतलब संविधान में कुछ जोड़ा या घटाया गया। तो क्या जोड़ा गया? शेड्यूल 11 जोड़ा गया, सूची 11 जोड़ी गई, सूची 11। इस सूची में 29 विषय या 29 सब्जेक्ट रखे गए, 29 विषय या 29 सब्जेक्ट। कौन सा सब्जेक्ट? वही स्कूल बनवाना, पंचायत भवन बनवाना, नहर बनवाना, गांव में स्ट्रीट लाइट करना, शौचालय की व्यवस्था करना, साफ सफाई रखना, ये सारे विषय जो ग्राम से रिलेटेड है। इस तरह के 29 विषय 29 सब्जेक्ट रखे गए। फिर एक चीज और की गई, पार्ट 9 ऐड किया गया संविधान में। कौन सा पार्ट ऐड किया गया? पार्ट 9 या भाग 9 इसी को कहते हैं। इसमें आर्टिकल 243 से 243O, 243 से 243O तक जोड़ा गया। 16 आर्टिकल कुल हैं 243 से 243O। तो दो चेंज हुए, एक तो शेड्यूल 11 और दूसरा पार्ट 9। शेड्यूल 11 और पार्ट 9, पार्ट 9 में 243 डायरेक्ट आर्टिकल पूछ लेता है, 243 से 243O। पिछले वीडियोस में हमने ये भी पढ़ा कि जब संविधान सभा का निर्माण हो रहा था और संविधान पे चर्चा हो रही थी, उस वक्त श्री मन्ना नारायण के सुझाव के दौरान DPSP राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो पार्ट 4 में है, DPSP डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी जो पार्ट 4 में है संविधान में, उस वक्त पंचायत को आर्टिकल 40 में जगह दी गई। ये कब की बात है? ये जब संविधान संशोधन नहीं हुआ था तब आर्टिकल 40 में पंचायत को स्थान दिया गया, लेकिन जब संविधान संशोधन हो गया तो शेड्यूल 11 जुड़ा जिसमें 29 सब्जेक्ट हैं और पार्ट 9 जुड़ा जिसमें 16 आर्टिकल हैं, 243 से 243O। बिल्कुल रख लीजिए इसको कंठस्थ।